तो दोस्तों कैसे हो। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या ये स्ट्रीमर सही में इतना फेम डिजर्व करते भी है या नहीं। प्लीज गाइस नो ऑफेंस। तो चलो बकचोदी शुरू करते हैं। तो भाई लोग ये है डायनामो भाई साहब, और ये एक टाइम पे बहुत अच्छे स्नाइपर माने जाते थे। मतलब इनसे अच्छा स्नाइपिंग मेरे हिसाब से तो कोई नहीं करता था, पर ये बंदा तो एमुलेटर में खुद को बादशाह समझता था। लाइक सीरियसली भाई हमें तो इतना ज्ञान है कि पबजी मोबाइल बस मोबाइल में ही खेलना है, पर ये तो है एक जमाने का वीडियो जिसमें 5 स्नाइपिंग शॉट से एक स्क्वाड वाइप कर दी थी बैन चोद। फिर आखिरकार याद आ गई इनकी और सोचे देखते हैं आजकल बंदा क्या गुल खिला रहा है। तो मैंने क्या किया, लास्ट हफ्ते 2 वीडियोस देख डाली इसकी, और मत पूछो बैन चोद ऐसे भूसड़ा मचाया है ना भाई ने, मतलब मैंने तो कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। वैसे ही पहले घंटा कुछ एमो नहीं मिलती और बंदे ने पूरी की पूरी गन खाली कर डाली, और मेरे हिसाब से तो एक भी गोली किसी को नहीं लगी भाई। फिर इस बंदे को स्कारेल नहीं दिखी जबकि ये बंदा स्कारेल ही ढूंढ रहा था, मतलब ये क्या चूतियापंती हो गया भाई। तो पहले मुझे ऐसे लगा कि शायद ये एक ही गेम में ऐसे हुआ होगा, और बढ़ गया दूसरी वीडियो देखने, और फिर इसमें ये भाई साहब ने थोड़ी देर के लिए दिल खुश कर ही लिए थे। मैंने सोचा बंदे का गेम प्ले अभी भी वैसा ही है और शायद होगा भी, क्योंकि हम तो भाई इनका वीडियो देखना छोड़ ही दिए थे कुछ टाइम तक। पर हमारी गलती ये रह गई कि हम ये वीडियो पूरा ही देख डाले, और थोड़ी देर देखते देखते फिर से वही चीज़ हो गया जो लास्ट मैच में हुआ था। भाई यार तुम लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, वो भी इतने व्यूअर्स देख रहे हैं, फिर भी ऐसे चूतियापंती कैसे कर सकते हो यार। मतलब इन भाई साहब को पूरा जोर जोर घूमने के बाद पता चला कि इनके पास M16A4 है M4 की जगह पे। शिट ब्रो यार, मैंने स्कैम कर लिया गलती से, मैं M4 फेंक दिया बात गई तो। फिर आते हैं ये भाई साहब जो कि एक बहुत बड़े प्रो प्लेयर है। मतलब डायनामो भाई को इनके साथ तुम कंपेयर कर ही नहीं सकते बैंचो। ये उस लेवल का कमीना है कि सामने वाले को पता तक नहीं चलने देता है कि कब उसकी पेटी बन गई। और भाई अगर मुझे भी पूछोगे तो मैं बोलूँगा भाई TSM एंटिटी जैसा माइकल आल टीम कोई मिलेगा ही नहीं बैंचो। और ये भाई साहब है TSM एंटिटी का इक्का। मतलब भाई एक टूर्नामेंट वाले मैच में वो भी सारे प्रो प्लेयर्स की गांड मार के रख देना कोई आम बात नहीं है, और वो भी 16 किल तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और चिकन डिनर लेने ही वाला होता है कुछ ऐसा कर देता है कि सामने वाला बंदा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलिए इनकी भी कुछ चूतियापंती देख ही लेते हैं वेंचर। मतलब यार उधर नाचने की क्या जरूरत थी, मतलब ये चूतियापंती के वजह से पैंचो पूरा का पूरा मैच हाथ से चला गया। चलो हम तो बस इतना कहेंगे कि यार बहुत मुश्किल से आप लोग ये जगह पे पहुंचते हो, तो ऐसे छोटे छोटे चूतियों वाले काम से अपना फेम जो कमाए हुए हो वो खोना दो तो। बाकी आपके ऊपर मर्जी है, आपको जो करना है करो, और जनता तो समझदार है ही, जनता तो समझ ही जाएगी उसको जो समझना है। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट माइंड, दिस वीडियो वॉज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ताकि मुझे सपोर्ट मिले आगे और एक नया वीडियो बनाने के लिए। तो अलविदा गाइज़।